आप समाज सेवा को अगर बिजनेस को दोनों का अगर चलाए चलाएंगे ना साथ में, जी एक चीज तो आपकी बंद हो जाएगी। डॉक्टर लोग भी फोन करता हमको जी कि भाई हमको एम्बुलेंस भेजवा दीजिए। हाँ। जिसका कोई भी फोटो सोशल मीडिया पर हम नहीं डालते हैं। हाँ। कोरोना काल में हॉस्पिटल संबंधित या कोई जो ऐसा पेशेंट है जो परेशान है उसका फोटो नहीं डालने की घोषणा कोरोना काल में किए थे। सोशल वर्कर कभी नहीं चाहेगा कि आपके आंख से आंसू आएगा। हाँ। आए अगर सोशल वर्कर बैठा हुआ है और आपके आंख में आंसू है तो सामाजिक कार्यकर्ता था ही नहीं। समाज में तो ऐसे भी लोग हैं जो सड़क पर जा रहे हैं, गिर जाएंगे तो अब कई लोग जो है देख के चले जाते हैं। जी नहीं, चले हम तो जाते पहले उठाते नहीं, नहीं, है, नहीं है, देखते तक नहीं है। हम तो पहले कहेंगे कि अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जो मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर गया हो और अगर मान के चलिए कि उसको आप उठा के अस्पताल पहुंचा देते हैं, 2500 रुपया हमसे ले जाएंगे, इनाम के रूप में मैं दूंगा। हाँ। सम्मानित पत्र भी दूंगा। हिम्मत जज्बा कैसे आ गया, कहां से मोटिवेशन मिला महेश जी को? मोटिवेशन देखिए सर, मोटिवेशन तभी नहीं आएगा जब आप फील्ड में जाएंगे। हाँ। नंगे पैदों से जाएंगे तभी ना। हाँ। आप जाएंगे बड़े गाड़ियों से। हाँ। कफीला लेकर। हाँ। तो कहां से जमीन दिखेगा? जमीन देखने के लिए जमीन पर जाना पड़ता है ना। नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं मगर टाइम्स। और हमारे साथ आज नवादा के ऐसे लाल हैं मित्रों जो नवादा नहीं देश दुनिया में अपना नाम कहीं न कहीं स्थापित किया है, परचम लहराया है और देश के बड़े सम्मान APJ अब्दुल सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। आज की जो दुनिया जो है, आज की चकाचौंध भरी दुनिया में जो लोग अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का रोजगार, अपना खुद का परिवार, अपना खुद का जो देखते हैं, कहीं न कहीं उससे निकलकर ये नवादा के लाल ने जो कर दिखाया है वो कहीं न कहीं वो तारीफ के पात्र हैं। हमारे साथ महेश वर्मा है जो छोटे से बिजनेस करते हैं, ज्वेलरी का दुकान चलाते हैं और कुछ खेत भी इनकी थी जो खेतों को बेचकर जो है समाज सेवा में लगा देते हैं। पूरी बातचीत करेंगे, कैसे सम्मान मिला, इनका क्या कार्य रहा, सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे। पहले तो स्वागत है महेश जी, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप देश के बड़े सम्मान जो है आप पाए हैं, APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार। जी 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 सर, ये सम्मान सबसे पहले तो आप लोग के ही समर्पित है जी। बिना आप लोग के सहयोग से ये सम्मान पाना असंभव। हाँ। की बात है। हाँ। इसलिए ये सम्मान तो सबसे पहले मैं आप लोग को ही दूंगा। हाँ। क्योंकि मेरी आवाज तो छोटा है ना, बड़ा आवाज तो आप लोगों का है जी। तो बड़ी आवाज जो आपका। हाँ। और ये फिगर जो वहाँ पहुँचा ना, तो वो। हाँ। वो लायक हम आज बने, बाकी जो हमारा काम है वो तो करते हैं। महेश जी, आप छोटा सा बिजनेस करते हैं, ज्वेलरी का दुकान चलाते हैं, कितना आमदनी महेश जी को हो जाती है जो आप समाज सेवा पर भी जो है रकम खर्च करना प्रारंभ कर देते हैं? देखिए सर, व्यवसाय बिजनेस में आपको जैसे जो हमारा जिला है अभी नवादा। हाँ। अगर इसमें चूँकि हम 22 समाज से भी जिला अध्यक्ष हैं जी, तो अगर 22 समाज का अगर कुछ देखा जाए हिसाब किताब तो नवादा का तो वो बहुत और भी जिला के मुकाबले नवादा थोड़ा पिछड़ा जगह है। यहाँ व्यवसाय आपका उस तरह का नहीं चल सकता है कि आप रातों रात कुछ भी कर रहे हैं। यहाँ एक सीमित दुकानदारी होती है, कुछ छोड़ दिया जाए 10-20-50 दुकानदार छोड़ दिया जाए तो बाकी एक सीमित दायरे में। कितना कमा लेते हैं आप इस दुकानदारी से? अब दुकानदारी से कमाने का सर कि आप 1000 भी डेली कमा सकते हैं, 2000 भी कमा सकते हैं। समाज सेवा में कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उस प्रकार के पैसा मिल, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि पैसा जब अधिक कमाते होंगे तभी समाज सेवा कर सकते हैं, एक जो है माइंडसेट लोगों की होती है। जी जी जी, ऐसा होता है सर कि आप समाज सेवा को अगर बिजनेस को दोनों का अगर चलाएंगे ना साथ में जी, एक चीज तो आपकी बंद हो जाएगी, गारंटी बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। चूंकि सोशल वर्किंग में आपका कितना खर्च जा सकता है। हाँ। इसका कोई भी अनुमानित रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होगा। वो समय पर ये पता चलता है कि कौन सा पेशेंट कैसा मतलब आदमी आपके पास या किसको मदद करने के लिए आप जाना है। वो आप पॉलिटिकल नेता नहीं है कि 10,000 रुपया के सपोर्ट कोर्ट से निकाले। हाँ। और सब आदमी के सामने में थमा दिए। हाँ। और हीरो बन के निकल लिए, वो यहाँ नहीं चलता। नहीं चलता, यहाँ होता है कि आपको 50,000 से भी ज्यादा का खर्च आ सकती है। हाँ। 500 रुपया में भी नहीं पड़ सकते, नहीं पड़ सकते हैं। जो समाज सेवा जितना सकती है उतना तक आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। एम्बुलेंस जैसे जाती है वो कौन कौन सा सेवा महेश जी किए? हम हमारे पास का जो सेवा हुआ जी, जैसे एम्बुलेंस। हाँ। डॉक्टर लोग भी फोन करता हमको जी
कि भाई हमको एम्बुलेंस भेजवा दीजिए। हाँ। जिसका कोई भी फोटो सोशल मीडिया पर हम नहीं डालते हैं। हाँ। कोरोना काल में हॉस्पिटल संबंधित या हाँ। कोई जो ऐसा पेशेंट है जो परेशान है उसका फोटो नहीं डालने की घोषणा कोरोना काल में किए थे। हाँ। उस वक्त से हमारा सेवा निस्वार्थ मतलब सेवा करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, कोई पब्लिसिटी कोई पब्लिसिटी उसको चाहिए ना जिसको चुनाव लड़ना है, कल के डेट में जीत जाना है, कल के डेट में उसको हारना है, उसका जोड़ना घटाना है। हम लोगों का लक्ष्य होता है कि आप मुस्कान बना रहे, जिला का मुस्कान बना रहे, उसी में हम खुश हैं। खुश हैं बिल्कुल, दूसरे के मुस्कान में जो है हम भी खुश हैं जी। सोशल वर्कर कभी नहीं चाहेगा कि आपके आंख से आंसू आएगा। हाँ। आए अगर सोशल वर्कर बैठा हुआ है और आपके आंख में आंसू है तो सामाजिक कार्यकर्ता था ही नहीं। समाज में तो ऐसे भी लोग हैं जो सड़क पर जा रहे हैं, गिर जाएंगे तो अब कई लोग जो है देख के चले जाते हैं जी। नहीं, चले तो जाते पहले उठाते नहीं, नहीं, नहीं है, देखते तक नहीं है। हम तो पहले कहेंगे कि अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जो मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर गया हो और अगर मान के चलिए कि उसको आप उठा के अस्पताल पहुंचा देते हैं, 2500 रुपया हमसे ले जाएंगे, इनाम के रूप में मैं दूंगा। हाँ। सम्मानित पत्र भी दूंगा। मतलब कोई एक्सीडेंट में गिर जाता है अगर उठा के, अगर डबल आदमी को उठा के बचाए तो 5000 दूंगा। 5000 रुपया महेश जी की तरफ से मिलेगा, हम पहुंचाने वाले को, पहुंचाने वाले को प्लस एक सर्टिफिकेट दूंगा कि आप एक बेहतर काम किया जिला के लिए। अच्छा, ये सब धैर्य कैसे आ गया आपको? धैर्य आप बड़े बिजनेस मैन है नहीं, बड़े बिजनेसमैन के पास फुर्सत नहीं होता है। बड़े बिजनेसमैन आपको चंदा दे सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन चुनाव में लड़ सकते हैं। हाँ। आ सकते हैं। हिम्मत जज्बा कैसे आ गया, कहाँ से मोटिवेशन मिला महेश जी को? मोटिवेशन देखिए सर, मोटिवेशन तभी नहीं आएगा जब आप फील्ड में जाएंगे। हाँ। नंगे पैदों से जाएंगे तभी ना। हाँ। आप जाएंगे बड़े गाड़ियों से। हाँ। कफीला लेकर। हाँ। तो कहाँ से जमीन दिखेगा? जमीन देखने के लिए जमीन पर जाना पड़ता है ना। हाँ। अच्छा, ये सम्मान जो मिला है एपीजे अब्दुल कलाम, इसके लिए महेश जी को क्या 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 करना पड़ा? नहीं, इसके लिए करना ये पड़ा कि जैसे आप जिस वक्त आप सोते हैं। हाँ। आपको बता देते हैं कि हमारा नित्यदिन मोबाइल मेरा 2 बजे रात तक, 2:30 रात तक ऑन रहता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है। तो अब जब रात में जो हम निकलते हैं। हाँ। तो उस वक्त हमारी जान का भी उतना ही खतरा होता है। हाँ। अब मान लो कि हमेशा कहीं भी निकलते हैं तो हम पुलिस को इत्तला करते हैं, प्रोटेक्शन के रूप में कुछ न कुछ कभी न कभी हेल्प मांगते रहते हैं। हाँ। और रात में जब हम फील्ड में निकलते हैं, वैसे वैसे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ। हाँ। पर अभी तक तो कोई नेता नहीं पहुँचा होगा, वैसे वैसे गाँव में एंट्री मारते हैं और भी रात में 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद। अजीब आपको लगेगा कि पॉलिटिकल लोग जा रहे हैं, लेकिन नहीं, हम वहाँ का देखने जाते हैं कि वहाँ का गांव कैसा है, उस गांव के लोगों की संख्या कैसा है, कितने लोग बहुत पिछड़ गए हैं किसी जाति से हो। हाँ। बहुत पिछड़ गया, कुछ लोग कितना हाई पर आ रहे हैं, वो सब का आंकड़ा हम भेजते हैं पटना ताकि उसको विकास हो सके, उसका लाभ उसको मिल सके। हाँ। हम संस्था के माध्यम से वो आवाज पहुँचाने का काम करते हैं। कौन से संस्था में आप काम करते हैं? अभी तो ये हमको मिला है ख्वाब फाउंडेशन से। अच्छा। दूसरा, हम खुद ही अध्यक्ष हैं स्वर्ण व्यवसायी और बाई समाज से। अच्छा, मतलब अपना खुद संगठन भी चला रहे हैं जी। हम अध्यक्ष हैं यहाँ लगातार, और इससे पहले भी हम अध्यक्ष रहे हैं जब सोशल वर्कर का मतलब। हाँ। कि जो यूनियन होता है गरीब लोगों का। हाँ। उसको क्या बोलते थे, उसका भी हम अध्यक्ष थे वर्कर लोग का। ठीक है, जिसमें हम लोग उस वक्त ट्रेन पर से जितना लेबर जाता था जी, उन लोग पकड़ धकड़ करते थे। अच्छा, महेश जी को कभी वैसा वक्त आया, चूँकि जब आपके बारे लोग जान रहे हैं कि ये सोशल वर्कर हैं तो आपसे उम्मीदें जो उस प्रकार के जो उम्मीदें रखते हैं या उस तरह की समस्या आ जाता है तो कई प्रकार के फ़ोन आते होंगे और महेश जी का स्थिति ठीक नहीं है, है ना, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हो सकता है दुकान गिरवी रखना हो, खेत गिरवी रखना हो, इस प्रकार का अवसर आया आपके साथ में? जी बिल्कुल आया है। हाँ। मतलब आता नहीं है, आया है। हाँ। और हम जैसे कोई पीड़ित का फ़ोन आया। हाँ। तो पैसा लेकर ही जाने की जरूरत नहीं है पहले। हाँ। पहले आप वहाँ पहुँचिए तो। हाँ। पहले शरीर से तो आप समय पहले आप उसके पास तो पहुंचिए ना जिसके। हाँ। पास आपको जाना है। हाँ। तो जैसे ही जाते हैं तो वो लोग का जो गिरे हुए थे ना। हाँ। उनका दिमाग यहाँ तक पहुंचा। हाँ। लेवल हाई हुआ। हाँ। शरीर का ऑक्सीजन बढ़ा आपको गले मिला। हाँ। तो आधा बिल्कुल पैसे की आवश्यकता नहीं होता है। पहले यदि आप शरीर से ही पहुंच जाइएगा। हाँ। तो कहीं कहीं जो पीड़ित लोग होते हैं, जो पीड़िता होते हैं, कहीं कहीं उनको लग जाता है कि पीछे में कोई सपोर्ट करने वाला इंसान आ गया है। हाँ। तो एक उम्मीद, एक आशा का किरण उसके दिमाग में जो है ना वो लगने। हाँ। लगता है, वो लगने लगता है। अब उससे अगर आप वार्तालाप करेंगे ना तो वो दिल की बात आपको बताएगा जो टेली कर जाता है। होता है क्या कि सत्य को सत्य से समझ रहे हैं ना, वो ऐसा बिंदु है कि वो अपने आप टेली करेगा।
कोई झूठ का जगह नहीं होता। अच्छा, ये सब जब सहानुभूति मिलता है तो महेश जी को कैसा लगता है? देखिए सर, अगर वो सहानुभूति हमको अच्छा नहीं लगा होता तो निश्चित है कि आज हम सोशल वर्कर नहीं होते। नहीं होते। और इतना प्यार मिलता है ना कि अगर हमको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अगर किसी भी गांव हम चले जाएं, सर सुबह से शाम हो जाता है, पेट तो एकदम फूल रहता है, क्योंकि हर एक लोग कुछ ना कुछ अपने हिसाब से खाने पीने को देना, जैसे बाहर आइए बैठिए, 5 मिनट समय दीजिए, 10 मिनट समय दीजिए, लेकिन मेरे पास ही बैठिए, ऐसे पूरे गाँव के लोग करते हैं। और ये पूरा गांव नहीं, पूरा जिला परिवार बन जाता है आपका। जमीन बेच के भी सेवा की है? जी बिल्कुल, हमको अगर जरूरत पड़ता है कि अगर ये बेचना ही है तो बेचना ही है, क्योंकि हम उसके बारे में फिर सोचते नहीं है। सोचना नहीं है? नहीं, वो अपना काम जो है ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं। हमारा गार्जियन बोल के गया कुछ लेकर नहीं जाना, कुछ लेकर नहीं जाना है, जैसे आए वैसे जाना। अभिभावक गार्जियन जो है बोल के गए जी, हमारे पिताजी चले गए इन साल, अभी तो जैसे इस बार कलकत्ता में खुशी और गम दोनों था। एक मेरे भतीजा डेथ कर गए ब्रेन हेमरेज से, तो एक इसका दुख भी था और एक खुशी था कि आप लीडर बने हैं, पूरे जो देश से लोग आए थे उसका लीडर बने हैं, तो वो आंसू और वो खुशी। अच्छा, ये कोलकाता से सम्मान मिला था? कोलकाता इवेंट जो हुआ था, कार्यक्रम हुआ था, कोलकाता में हुआ था? कोलकाता में। कोलकाता में जो है वो ये सोशल वर्कर के जो लीडर आप बन गए थे, लीडर अध्यक्ष चुने गए थे और ये सम्मान जो है आपको मिला जी। ये नवादा के आसपास या नवादा के लोगों को ये इतना बड़ा सम्मान मिला है कि नहीं मिला है? अभी तक सोशल के क्षेत्र में नहीं मिला है। यहाँ पहले आप एक चीज बताते हैं, होता है क्या ना कि लोग दुश्मनी निकालने लगते हैं। देखिए, समाज सेवा करने के लिए कोई सम्मान की जरूरत ऐसा नहीं होता है। आप अपना काम करते रहिए, सम्मान जो मिला वो तो चलिए एक ऐतिहासिक पल होता है आपके जीवन का कि आपने कुछ किया और आपको भी लोगों ने कुछ किया। तो उस कड़ी का जो मुख्य कड़ी होता है ना, हम वो आप लोग को ही मानते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं तो उसका तो कोई फोटो डालते नहीं जल्दी। वो कोरोना काल का जो अपना वादा है अभी तक हम खड़ा है उस पर, फोटो नहीं डालना है। पहले डाल रहे थे, फिर कुछ लोगों का कमेंट आया कि आप ये गलत करते हैं, तो वो बंद कर दिया था, तो फिर जो है नहीं डालना। लेकिन वहाँ तक जहाँ जहाँ जाते हैं उस चीज का डालते हैं कि हम यहाँ इस क्षेत्र में हैं, आज यहाँ हैं, वहाँ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस। लेकिन किसी को मजाक नहीं बनाना, मजाक नहीं बनाना। तो चलिए, बस कितने समय निकालने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद सर, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। तो हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं जो छोटे से जो है व्यवसाय करते हैं और स्वर्ण का जो है ये ज्वेलरी का दुकान चलाते हैं, छोटा सा खेत भी इनका है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कह दिया कि इनके पूर्वजों ने जो है कहकर गए हैं कि कुछ लेकर जाते जाना नहीं है। हम सभी जानते हैं कि कुछ लेकर जाना नहीं है, सभी यहीं पर पाए हैं, यहीं पर खोकर जाना है। और अरस्तु का एक पंक्ति है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में जो है जन्म लिए तो कहीं कहीं समाज में जो है मेरा समाज को देने का भी दायित्व बनता है, समाज को एक अच्छा समाज बनाने का भी दायित्व बनता है। तो कहीं कहीं ये महेश जी ने अपना जो है ईमानदारी पूर्वक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। और आज के समय में जो डिजिटल और सोशल मीडिया पर लगातार जो छोटे छोटे काम करते हैं और दिखावा करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, ये लगाते हैं, तो कहीं कहीं इनसे सीख लेने की आवश्यकता है। क्योंकि महेश वर्मा जो है बहुत ऐसे जो है कंट्रीब्यूशन करते हैं, सहायता करते हैं पीड़ितों को, वंचितों को, शोषितों को, है ना, जिसका लाभ मिलना चाहिए वैसे काम करते हैं, लेकिन ये TRP और सोशल मीडिया से बहुत ही दूर रहते हैं, है ना। बहरहाल इनसे जो बात हुआ है, बातचीत कैसा लगा, इनको APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार मिला, इनके प्रति आपका क्या राय है, और मगर टाइम्स देख रहे हैं इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।